व्हाट्स हैपनिंग गाइस। तो गाइस आज हम लोग उज्जवल भाई के केसर में, और गाइस आज ना हम लोग बहुत ही मस्त चीज करने वाले हैं। जिसका नाम है समय यात्रा। आज हम लोग टाइम ट्रेवल करने वाले हैं, वो भी यूजुअल भैया के हवेली में। बहुत मजा आएगा आज, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज समय यात्रा होने वाला है, हमारा फेवरेट चीज। ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा मजा भी आता है, तो लेट्स गो। तो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। कि गाइस ये हमारा टाइम मशीन जो ऐसा दिखता है, और इस पे फ्यूल भी भरा हुआ है, पर फ्यूल खत्म हो सकता है, तो हम लोग जब लास्ट टाइम रहेगा तो हम लोग फ्यूल भर लेंगे। फ्यूल के तौर पे लावा है, और ऐसे बहुत कम ही होता है कि मैं यहाँ पर आऊँ टाइम मशीन पास और सब चीज सही मिले। भाई सब चीज सही है, बस एक एलेट्रा नहीं है। देखते हैं भाई मेरे चेस्ट में कोई एलेट्रा मिलता है तो लेके आते हैं। ओके यार चेक गलिये पर, यहाँ पर एलेट्रा नहीं है। अरे भाई अब आज यही एंड अपल फेंक के काम चलाना पड़ेगा। पर मेरे को तो रुको मेरे पास ये टाइम में नहीं है, पर अगर मैं 2300 कुछ साल आगे जाऊंगा तो वहां पर तो बहुत सारे एलेट्राज है। मतलब मेरे पास नहीं है, पर उज्जवल भैया पास बहुत सारा खदान है एलेट्रा का, तो वहां से 2-3 ले आते हैं ना इधर। लेट्स गो। ये देखो गाइस यहाँ पर एलेट्रस की कमी नहीं है, एकदम कमी नहीं है यहाँ पर एलेट्रस की। हम लोग यहाँ से 5 एलेट्रा ले लेते हैं भाई, 5-5 चेस्ट भर के रखे हुए एलेट्रा, और उसमें तो भाई बहुत से चेस्ट वाले में तो एलेट्रा मेंडिंग अनब्रेकिंग लगा के भी है। रुको चलो अब चलते हैं बाहर, और ये सब एलेट्रा जाके टाइम मशीन में रखते हैं, और फिर हमारा एलेट्रा का स्टॉक पूरा हो जाएगा। चलो यार अब तो कमी नहीं होगा एलेट्रा का, एलेट्रा पहनते हैं और उड़ के देखते भाई साहब इतना दिन बाद उड़ के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और बहुत ज्यादा सुकून भी मिल रहा है। बहुत ज्यादा सुकून नहीं, अरे जो भी है सुकून मिल रहा है, सुकून नहीं होता यार, सुकून होता है, सुकून मिल गया मेरे को। ओके लेट्स गो, हम चलते 2300 साल आगे, और फिर वहां पर 28 आगे करेंगे। लेट्स गो। कि गाइस ये देखो इस टाइम का जो नॉर्मल कैसल है ये है, और यहाँ पर भाई बहुत सारे चीजें हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू है जो थोड़ा आगे जाने के पर मेरे को दिखेगा। बहुत सारी चीजें हैं, मॉडर्न हाउस, कैसल, छोटा कैसल, बड़ा कैसल, बहुत ज्यादा छोटा कैसल, बहुत बड़ा कैसल, और यहाँ पर ये स्टैचू है जो इजिप्ट में जिसकी पूजा होती है उसका एक स्टैचू है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर जाए तो एक बड़ा कैसल है, बीच में तो नहीं है, पर इसके वॉल्स जो है वो बहुत ही बढ़िया लगती है मेरे को। मैंने कुछ पूछा। और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रॉप भी है, तो इधर से उड़ तो। और यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर मॉडर्न हाउस, भाई यहाँ पर बहुत सारी चीजें है। रुको भाई उड़ते और सबसे बड़ा वाला कैसल दिखाते है जो की है ये। भाई साहब बहुत बड़ा कैसल है, और इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग गया था उज्जवल भैया को। चलो अब टाइम मशीन पास जाते हैं और 20 साल आगे और जाते हैं, और देखते हैं क्या नया नया चीज बना है। और ये देखने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है कि क्या कौन से नए नए बिल्स बनाते हैं उज्जवल भैया। यहाँ पर इतनी सारी चीजें भाई देख के मजा आ जाता है। यहाँ पर स्काई ब्लॉक भी है जिससे हम लोग स्काई ब्लॉक खेल भी सकते हैं अगर फ्रेंड्स लोग है साथ में। तो चलो भाई हम लोग यहाँ पर बहुत साल आगे आ गए हैं, कम से कम 1 साल कुछ महीने आगे आए हैं, और यहाँ पर देखते हैं क्या नया चीज बना है। ओ भाई साहब वेट, ये देखो यहाँ पर एक नया मेरे को एक स्टैचू दिखा है जो उज्जवल भाई बना है। ओ तेरी भाई, वेट, ये क्या है भाई, क्या सॉर्ड है भाई साहब, किसका स्टैचू है ये? ये एसेसियन स्क्रीड जैसा कुछ लग रहा है, पर वो नहीं है जहां तक लगता है मेरे को। भाई साहब क्या ही ह्यूज अदम स्टैचू है, और भाई क्या ही अदम डेकोरेट किया गया है। रुको भाई पानी में उतरेंगे तब डैमेज नहीं होगा। मैंने कुछ पूछा, न्यूक्लियर वॉर हुआ था तो बेडरॉक तक यहाँ से गायब हो चुका है, और नीचे एक पूरा वो बन चुका है, अगर मैं नीचे जाऊँ तो मर जाऊंगा। यहाँ पर उज्जवल भैया इसको एक्सपेंड करे ही जा रहे, और किसके बीच में न्यूक्लियर वॉर हुआ था ये नहीं पता, वो पता लगाएंगे एक दिन।
बट ये स्टैचू बहुत ही ज़्यादा मस्त है। यहाँ पर TNT भी लगे हुए भाई, अगर मैं ये TNT जला दूँ तो क्या होगा, देखने में क्या जाता है, करके देखते हैं, चलो लेट्स गो। ओके बहुत बढ़िया, मैं जानबूझ के मरा हुआ हूँ ऐसा लग रहा है। चलो भाई जल्दी लाइटर उठाते हैं, रॉकेट उठाते हैं और यहाँ से चलते हैं। चलो ट्राई करते हैं, लेट्स गो। यहाँ पर TNT रख दिया, भागो भाई, हो सकता है इसके अंदर पूरा TNT ही हो। और नीचे पानी है, और TNT से कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं, दिख तो नहीं रहा भाई कुछ ज़्यादा TNT से हुआ हो। वहाँ पर उसके हार्ट में तो एक गड्ढा हो ही गया है, तो छोड़ो अब क्या ही करना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ऐसा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा ना तो जो सब्सक्राइब से कर देना, सब्सक्राइब तो कर देना। और गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।